मेरे पास है ये डीजल, मैं 1 लीटर लाया था, इसके बाद से मैंने 2 बार चैन क्लीन कर लिया और अभी भी देखो इतना बचा है। मतलब ये देख रहे हो यहाँ से एकदम जो सरफेस है वो पहले से देख रहे हो कितना मस्त हो चुका है, चमक चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो। कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। सो वीडियो के टाइटल को देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है एक और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आपको पता है लास्ट मैंने एक बार चैन क्लीनिंग की वीडियो डाली थी और उसमें दिखाया था मैंने कि कैसे चैन को क्लीन करने का प्रोसेस और क्या उस पर बेनिफिट्स हैं। सो उस वीडियो में मैंने अपनी जो चैन क्लीन करी थी वो करी थी मोटुल के चैन क्लीनर से, और उसमें ल्यूब भी दिखाया था मैंने, वो था मोटुल का ही चैन ल्यूब, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। मतलब मोटुल का चैन क्लीनर, एक क्लीनर मतलब एक बार में आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप ढंग से चैन साफ करोगे तो, वो थोड़ा कंजूसी करनी पड़ती है उसमें, तो ये दिक्कत रही मेरे को क्योंकि वो 250 रुपये का आता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ। सो क्यों ना मैंने इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला है, कि इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये है कि आप चैन को अगर क्लीन करना चाहते हो ना और पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट उपाय है डीजल, जो कि है मोटुल चैन क्लीनर से भी बढ़िया। उसमें भी ऑयल होता है, इसमें भी ऑयल होता है, ये भी अच्छे तरीके से गंदगी को पूरी तरीके से बाहर निकालता है। मैंने पहले भी अप्लाई करके देखा और चैन उससे भी बेहतर क्लीन हुई है, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। और मेरे पास है ये डीजल, मैं 1 लीटर लाया था, उसके बाद से मैंने 2 बार चैन क्लीन कर लिया और अभी भी देखो इतना बचा हुआ है, मतलब 1/3 हिस्सा यूज़ हुआ है। और डीजल का आपको बताइए 100 रुपये के डीजल में एक बॉटल भर जाएगी और आप उसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। सो चलो दिखाता हूँ इससे कैसे चैन क्लीन होती है। तो सस्ता सुंदर सौदा है, और चैन को अभी दिखाता हूँ कि कितनी गंदी है और इससे क्लीन करने के बाद कितनी ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, ये भी आपको दिख जाएगा। सो आप देखो भाई चैन कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, ये देखो कितना ज़्यादा डस्ट डर्ट है और गंद है, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है और अभी तक साफ़ नहीं हुई है। तो आज चैन को साफ़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लीन करेंगे, और जो ये स्प्रॉकेट है ना इसको भी खोल के, मैं हर बार क्लीन करता हूँ तो इसको भी खोल के क्लीन करेंगे। सो शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको यही है, अगर आपके फ़र्श को बचाना है तो आपको कुछ नीचे रखना पड़ेगा, मैं तो रखने था क्योंकि मैं इसको वॉश कर दूंगा तो साथ साथ क्लीन हो जाएगा। और सबसे पहले क्लीन करते हैं, अपने डीजल से क्लीन करेंगे आज और फिर दिखाते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दिए, अब देखो ये देख रहे हो अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, इधर देखो क्या चमक गई है, देख सारा चीज़ क्लियर एकदम। अभी क्या कर दिया है कि इस पर ब्रश लगा दिया, फिर से डीजल का जो स्प्रे है ना वो कर दिया है, और उसके बाद अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, 10 से 15 मिनट छोड़ देते हैं ताकि जितना भी और गंदगी है ना वो सारी टपक टपक के बाहर निकल जाएगी और फिर देखना क्या मस्त आएगी। सो भाई फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद अब देखो वॉश भी हो गई है, चैन को मैंने वॉश भी कर दिया था और ड्राई भी कर दिया, सुखा भी दिया, और देखो ये देख रहे हो यहाँ से एकदम जो सरफेस है वो पहले से देख रहे हो कितना मस्त हो चुका है, चमक चुका है। इधर से भी दिखा देता हूँ, यहाँ से भी एकदम मस्त क्लीन हो चुकी है पूरी बाइक की चैन जो है ना, डीजल से क्लीन करी है। डीजल से क्लीन करने का एक ही पर्पज़ था कि हमारी जो मोटुल का जो चैन क्लीनर आता है ना वो काफ़ी महंगा आता है, उसकी कॉस्ट से बचने के लिए ना मैंने डीजल इस्तेमाल किया, और आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं आया। आप इसको करते हैं चैन ल्यूब, मेरे पास है बजाज वालों का ही चैन ल्यूब है, मैं लेके आया था उसको लास्ट अपनी सर्विस में, अब इस पर चैन ल्यूब करते हैं और फिर इसको छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, चलाएंगे नहीं मतलब 15 से 20 मिनट, और फिर जब ये पूरा बढ़िया से अंदर चला जाएगा ना तो क्या होगा फिर चैन में और ज़्यादा मस्त स्टिकीनेस हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा हमारी चैन की लाइफ भी बढ़ेगी और चलेगी भी बढ़िया और आवाज़ वगैरह भी नहीं आएगी। सो ये है मेरे पास बजाज का OKS का चैन ल्यूब स्प्रे, बजाज की तरफ से आता है ये, बाकी तो बजाज वालों का देखो बजाज चैन स्प्रे, तो ल्यूब है एक तरीके से, इसको यहाँ पे लगा के आप अच्छे से ल्यूब करते हैं। और मैं रिकमेंड, पता है कि मैं ये इसलिए लेके आया, एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है इसके पीछे लगा के करूँगा ताकि जो इससे छींटे उड़ते हैं ना वो बच जाएंगे, वो ना इधर उधर लगते हैं ना रिम पे तो बहुत ज़्यादा स्टिकनेस हो जाता है, छूटता नहीं है जल्दी से। अब स्प्रे करते हैं,
अच्छे से चैन में सारा क्लीव हमारा ल्यूब है ना वो लग चुका है, जैसा कि आप देख सकते हो। सो चैन हो चुकी है ल्यूब और क्लीन दोनों। सो बेस्ट सॉल्यूशन मेरे को लगा, अगर आप भी अपनी बाइक में करना चाहते हो ना तो आप भी कर सकते हो। डीजल से आप चैन क्लीन कर सकते हो, मोटिल के जो 250 रुपये है ना वो आप बचा सकते हो क्लीनर के, और मोटिल का एक बार क्लीन होता है, लाइक 250 रुपये में एक बार चैन वॉश हो जाएगी आपकी। लेकिन डीजल से करोगे तो 100 रुपये का डीजल आपका 4 से 5 बार आपकी चैन को क्लीन कर सकता है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आया तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई भी क्वेरी हो वीडियो पे तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और सिंपल सा प्रोसेस है, आई होप आप सभी को पसंद आए। तो बने रहो मेरे चैनल पे, स्टे ट्यून्ड, बाय।